तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का क्लास 10th का सोशल साइंस का जो ऑफिशियल मॉडल सेट आया है उसका आंसर मैं आज बताने वाला हूँ। इसके पहले जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो था वो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया था, जिसमें 1 से लेकर 40 तक प्रश्नों का सॉल्यूशन किया गया था। और आज ये सोशल साइंस का ऑफिशियल मॉडल सेट का पार्ट 2 है। इसके अलावा भी कुछ और ऑफिशियल मॉडल सेट था जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए, इस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों का कुछ डाउटेबल क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर देना चाहता हूँ, जो कि पिछले वीडियो में कुछ डाउट था। तो चलिए, कौन सा डाउटेबल क्वेश्चन था उसको हम देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये डाउटेबल था, क्वेश्चन नंबर जो 23, उसमें का जो था फर्स्ट मॉडल सेट का, जैसे कि नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है, यानी कि किस नदी से ये संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा नदी से। इसका दूसरा जो क्वेश्चन था, इसमें आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो इसमें से जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल था वो जनता पार्टी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड। तो ये कुछ डाउटेबल क्वेश्चन था। तो चलिए, आज हम जो हमारा ऑफिशियल मॉडल सेट है यानी कि जो टारगेट था आज का, उसको हम देखते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन जानने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग इस चैनल पे अभी तक नए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और बिहार बोर्ड से संबंधित जितने भी ऑफिशियल मॉडल सेट से हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रांटी एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको VVI आप कर लीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा है। तो चलिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाजीपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, चावल है यानी कि चावल किस प्रकार का फसल है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन नंबर 45 हम देखते हैं कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेल, यानी कि एक होता है आपका भेल और दूसरा एक होता है आपका भेल और दूसरा सेल। तो ये जो है दोनों राष्ट्रीय कंपनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभ्रक। अगला क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन जिले प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। याद रखिएगा, इसमें मुजफ्फरपुर और वैशाली का जो खास तौर पे मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है वो विश्व लेवल पर फेमस है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बजट। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिबी कर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 51 हम देखते हैं, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घकाल लेन। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा।
अगला क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 था, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो इसमें जो है गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था वो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। हालांकि इसमें कोई ऑप्शन राइट नहीं दिया, ये जो बी दिया है वो 20 लाख वर्ष पूर्व दिया है और ये जो दिया है 25 करोड़ वर्ष पूर्व दिया है। तो इसमें से कोई भी आंसर जो है वो सूटेबल नहीं है। जो हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बुक है उसके अनुसार 20 करोड़ वर्ष पूर्व है, लेकिन इसमें कोई राइट आंसर नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन खड़ी फसल है? तो इसमें से चावल जो हो गया वो खरीफ फसल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो इसमें से रेशेदार फसल जो है वो गन्ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं मालूम हो तो इसका आंसर एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, उसको कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। हालांकि संभवतः ये आप लोगों को बता देना चाहिए, आसान ही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो कैक्सटन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फरवरी क्रांति। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रस्टी की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1906 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, सख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो आंसर 1857, इसे 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है, सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है या कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोनपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी का। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन के। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है, सेडान युद्ध कब हुआ? तो इसका भी सेडान युद्ध काफ़ी आसान क्वेश्चन जो दिया है आप लोगों के लिए, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगर इसका आंसर आप लोगों को नहीं मालूम है, अगर जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, हीगेल कौन था? तो हीगेल जो था यह एक दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है आपका कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया या बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1905। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो ऑप्शन नंबर सी एल तरंग। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है,
कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है या महासागरों में है? तो आंसर हो जाएगा सी 95%। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है, बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, यानी कि बिहार के कौन सा ऐसा नदी है जिस पर कोई भी नदी घाटी परियोजनाएं नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी पुनपुन नदी। अगला क्वेश्चन नंबर, गेहूं फसल यानी कि गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो गेहूं जो आपका रबी फसल है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला हम लास्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का सम्मान इनमें से किससे है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही, और इसके पहले मैं आप लोगों से छोटा सा गुजारिश करता हूँ कि जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का जो बेल आइकन का घंटा है उसे दबाएं, और इसका अगर आप लोग सब्जेक्टिव का आंसर की पाना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर संभव तो हो, अगर आपको ज़रूरत हो तो इसका सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।